मात्र 5,000 चली है सर। मात्र 5,000 चली है। 2022-23 का कौन सा ईयर का है ये? 22 मॉडल है। 150 डेढ़ लाख रुपए में स्विफ्ट ले जाओ भाई। और क्या चाहिए होगी? अच्छा वीक्स, पूरी स्क्रैचलेस गाड़ी है बिल्कुल। अच्छा स्क्रैचलेस है, कहीं से भी बिल्कुल सा भी छोटा सा भी कोई एक मतलब स्क्रैच नहीं दिखेगा आपको गाड़ी। W7 वेरिएंट है, बिल्कुल VIP नंबर के साथ मिलेगी आपको। अच्छा VIP नंबर, बुलंदशहर रजिस्ट्रेशन है इसका, 0002 नंबर के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका कार बाइक ट्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आशीष, गाड़ी इनकी सारी की सारी चेंज हो चुकी है और ये और भी ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे आ गए हैं और इनकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। और तब तक अगर आप वीडियो पर हमारे नए अगर जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बिल्कुल आप देखते रहें पूरी की पूरी डिटेल, एक से एक कलेक्शन इसमें आने वाले। मिलते हैं यहाँ के भैया से। भैया एक बार नाम बताइए अपना। जी अमन नाम है मेरा। अमन, अमन जी हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा गाड़ियों का स्टॉक दिखाएंगे। और क्या कुछ खास है आप आज के स्टॉक में, कुछ ये बताइए आप पहले। जी गाड़ियाँ मतलब हर तरीके की गाड़ी यहाँ मिल जाएगी आपको। अच्छा। जैसे कि मारुति हुई, ह्युंडई हुई, महिंद्रा हुई। अब लास्ट में एक और चीज़ ऐसी बताएंगे जिसके मतलब हाँ ये ऐसी गाड़ी जो हर किसी गाड़ी को टक्कर देगी। अच्छा मतलब सस्पेंस, कुछ सस्पेंस बनाएंगे पूरा। सस्पेंस होने वाला है कि ये सारी गाड़ियाँ अभी लाइन से देख रहे हैं, इधर भी है उधर भी है। क्रेटा SUV सारी मिलेंगी, लेकिन लास्ट में एक बम्पर धमाका दिखाएंगे आपको। धमाका दिखाएंगे तो प्लीज लास्ट तक बने रहे, धमाका कुछ कुछ होने वाला है, मुझे नहीं पता है लेकिन मजा जरूर आने वाला है। चलिए कहाँ से स्टार्ट करा रहे हैं आप बताइए। चलिए गाड़ियों का स्टार्ट हम करते हैं, कहीं से भी कर लो सारी गाड़ियाँ कवर हो जाएंगी। ये एक स्विफ्ट डिजायर आ जाती है। अच्छा स्विफ्ट डिजायर से हम शुरू करते हैं। 19 मॉडल है। अच्छा बागपत नंबर है। अच्छा बागपत, पेट्रोल वेरिएंट है। अच्छा पेट्रोल वेरिएंट है, VXI होगी। अच्छा VX, पूरी स्क्रैचलेस गाड़ी है बिल्कुल। अच्छा स्क्रैचलेस है, कहीं से भी बिल्कुल सा भी छोटा सा भी कोई एक मतलब स्क्रैच नहीं दिखेगा आपको गाड़ी। बस थोड़ी आज धूल उड़ रही है इस वजह से थोड़ी गंदी लगे, वो बात अलग है। लेकिन रोड के पास थोड़ा सा वो एक 100 पीस में लगा रहता है तो थोड़ा उतना कोई धूल गंदी वगैरह बात नहीं है। अगर कोई आएगा तो वो तो इतने, अभी देखो गाड़ी कोई डिलीवरी वगैरह होती है तो एकदम खूब चमका के रखते हैं। अभी गाड़ी खुली हुई है, आप देख सकते हैं अंदर से भी इसका डैशबोर्ड वगैरह हर एक चीज़। ये ऑटोमेटिक है ये तो? हाँ जी ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है ये, ऑटोमेटिक स्विफ्ट डिजायर ऑटोमेटिक। हर तरीके की, मैनुअल तो सब रखते हैं सर, ऑटोमेटिक भी होनी चाहिए। कौन सा, 2017 मॉडल बताया आपने? नहीं जी 19 मॉडल। अच्छा 19 मॉडल है, 19 मॉडल में आपको डिजायर मिल जाएगी ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक है पेट्रोल? जी पेट्रोल, पेट्रोल है, पेट्रोल वेरियंट है। और ये कौन सा है? VXI वेरिएंट। अच्छा VXI वेरिएंट, मिड वेरिएंट है। मिड वेरिएंट है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के साथ, स्क्रैचलेस आपने बता दिया। और यहाँ पे टायर की कंडीशन एकदम न्यू है। कितनी चली है लगभग अंदाजा? लगभग ये 68 के अराउंड। अच्छा 68 के अराउंड चली हुई है। डिमांड, अब मेन बात आती है पैसे की, पैसे की डिमांड क्या रख रहे हो आप? डिमांड सिर्फ इसकी 6.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं हम। अच्छा 6.5 लाख मैनुअल? जी जी नहीं जी ऑटोमेटिक की 6.5 लाख रुपए डिमांड है। बाकी अब कुछ खास आप बताइए कुछ यहाँ पे। खास ये है कि अगर आपकी वीडियो देखकर, आपके चैनल पे वीडियो होगी उसको देखकर कोई कस्टमर अगर इंस्पायर होकर हमारे पास आता अच्छा, है अच्छा। तो आपके नाम के हम उसे 10-15-20 हज़ार कोई दिक्कत नहीं, 15-20 हज़ार तो एकदम सीधे डिस्काउंट कर देंगे। बाकी आप लेके अगर आओगे मन बना के कि भाई ये गाड़ी पसंद है तो ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से वो वापस जाना पड़े, ऐसा नहीं है। 10-20 हज़ार रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे भी आएगा कोई बंदा तो उसके बजट के हिसाब से उसे गाड़ी देकर ही। पहले भी लोगों ने प्यार दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। जी जी बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा, सब पब्लिक जानकार है सब कुछ, क्योंकि उनको चाहिए होता है 10-20 हज़ार रुपए ऊपर नीचे नहीं होता है। उनकी कंडीशन जो चीज़ वो लेने आते हैं उसको ज़्यादा भाव देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं हम, टोयोटा की। ये हमारी आ जाती है 16 मॉडल टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। अच्छा इनोवा क्रिस्टा 2016 मॉडल टोयोटा, इसकी डिमांड है आपकी 1675। अच्छा 1675 की डिमांड है ये। जी 2000 कौन सा मॉडल है? 2016। अच्छा 2016 पेट्रोल? नहीं जी ये डीजल। अच्छा अच्छा डीजल, 2000 डीजल है जी। अच्छा और देख रहे हैं आप हर तरह से काफी अच्छे क्वालिटी गाड़ी, बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है। ये भी फैंसी नंबर के साथ मिलेगी आपको। फैंसी नंबर है ये जी, 00055 जी, गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन है। गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन 00055, फैंसी एकदम लग्जरी नंबर आप देख रहे हो, हर एक तरह से क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। और ये भी ऑटोमेटिक है, ये भी ऑटोमेटिक है। और 1675 डिमांड है इसकी जी। 1675 जी जी। अच्छा 1675 देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे कंडीशन में है। बाकी आप इनोवा की अगर किसी को जैसे लग्जरी गाड़ी चाहिए, अंदर कंफर्ट ज्यादा चाहिए,
तो ये गाड़ी सबको मात देती है। ये गाड़ी सबको मात देगी और टोयोटा इसमें गाड़ी, ये गाड़ी मतलब ऐसी इसमें भरा ग्लास भी रखा होगा ना, तो वो भी इधर से उधर नहीं चलेगा, इधर नहीं होगा, जर्क नहीं करेगा, हिलेगा नहीं। जी जी ठीक है। नेक्स्ट गाड़ी ये भी है, ग्रैंड आइटन देख सकते हैं आपके सामने, कॉर्पोरेट नियो ग्रैंड आइटन है ये, 2014 गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। जी ये भी गाजियाबाद, मात्र 5000 चली है सर, मात्र 5000 चली है। 2022-23 का कौन सा ईयर का ये 22 मॉडल है। अच्छा मिड का होगा शायद, एक सेकंड, ये पांचवें महीने का। अच्छा 22 मई 2022 का है, मई अभी आया भी नहीं है, यानी ये साल भर की भी नहीं, साल भर भी नहीं हुआ गाड़ी को। गाड़ी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे कंडीशन में है, साल भर की भी नहीं हुई है। i10 है ये, और वो भी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के साथ, UP14 गाजियाबाद। और कलर क्या है, बहुत बेहतरीन है, खुली हुई है गाड़ी, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड से लेके साल भर नहीं चली हुई है गाड़ी, उस हिसाब से इसका रख रखाव भी देख रहे हैं, उसी हिसाब से भी है, मतलब लगती ऐसा नहीं है कि हम उसको कुछ स्क्रैच लेस, बाकी गाड़ियाँ 4-6 साल चली हुई स्क्रैच लेस हैं, तो ये तो गाड़ी और भी एकदम न्यू कंडीशन में है। कितनी चली है लगभग ये? मात्र 5000 चली है। अच्छा 5000 किलोमीटर बस चली हुई है ये, आप देख रहे हैं बिल्कुल अभी गाड़ी आई है, कंपनी से अप्रूव हुई है, कार वाले से फ्रेंचाइजी हमारी, तो अभी कंपनी ने अप्रूव करी है गाड़ी, पूरे कंपनी ने अप्रूव करी है, तो इसके प्राइस अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा अभी अच्छा थोड़ा वो हिडन है अभी, वहाँ से पूरे इंस्पेक्शन जब रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, गाड़ी में 139 पॉइंट्स चेक होंगे, फिर जब जाके इसका तो आपने जैसे स्टार्टिंग में देखा था, कार वाला जो सबसे ट्रस्टेड होता है वहाँ से इनका पूरा 139 जो क्वालिटी चेक होते हैं उनको पास करने के बाद ही यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, और हर तरह से कोई मीटर बैग से लेके डेंटिंग पेंटिंग ये वो, चाहे वो रिम से हो जाए, चाहे वो टायर से हो जाए, चाहे इंजन से हो जाए, कहीं से भी कोई भी कमी नहीं होगी। जी जी उसके बाद ही सर्टिफाइड, तो ये सबसे बेस्ट होता है। जो लोग पास ये माइंड में ये होता है कि भाई क्या भरोसा है कि जी क्या जी। नहीं किया बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन ब्रांड की वैल्यू होती है ना, ब्रांड बिल्कुल बिल्कुल, कोई वो किया हुआ है तो उन्होंने एक ट्रस्ट बिल्डअप किया है। हाँ जी बिल्कुल, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, इस वजह से बंदा हिचकिचाता नहीं है गाड़ी लेने में, और पूरा ऐसे भी कस्टमर है जिनकी प्रॉब्लम आई भी है तो हमने सॉल्व करके दी है और वो बिल्कुल खुश होके गए, तो बस वही है, सेटिस्फेक्शन मेन होना चाहिए। नेक्स्ट आगे आ जाती है XUV 500। अच्छा महिंद्रा की XUV 500, 18 मॉडल है ये, W7 वेरिएंट है, बिल्कुल VIP नंबर के साथ मिलेगी आपको। अच्छा VIP नंबर, बुलंदशहर रजिस्ट्रेशन है इसका, 0002 नंबर के साथ, 0002 एकदम VIP रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, आप देख रहे हैं अंदर की क्वालिटी तो और ही ज्यादा बेहतरीन है। गाड़ी मैनुअल होगी और पुश बटन स्टार्ट है, सबसे अच्छी बात पुश बटन स्टार्ट है, सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छे क्वालिटी में है, और XUV 500 भी बोलते हैं इसको, बहुत अच्छे कंडीशन में है, ए ग्रेड क्वालिटी, सिल्वर कलर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटीरियर देख सकते हैं, इंटीरियर देख सकते हो, आगे से दिखा देंगे, पीछे भी आ जाएगा वो, इंटीरियर दिखा दीजिए इनको, बहुत ही अच्छे पूरे एकदम कपड़े के फैब्रिक में हैं, बहुत ही अच्छा सीट लेदर क्वालिटी, इसको जो सीट कवर वगैरह हैं, फुट रेस्ट, फुट प्रिंट वगैरह, फुट कवर वगैरह, पैड जितने लगे हुए हैं सब सेफ्टी के साथ मेंटेन किया गया हुआ है, पूरा रख रखाव भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपको देने के लिए सिर्फ ये दिखाया गया है, पहले से भी रख रखाव का भी अच्छा है, ग्रिल वगैरह, आप महिंद्रा भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो अगर आप XUV वगैरह की अगर फैन हैं, बड़ी गाड़ियाँ वगैरह आप अगर देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो एक बार आएँ देखें और एक बार भरोसा दिखाएं। कितनी चली है लगभग ये 65 के अराउंड चली है। अच्छा 65 के आराउंड, ज़्यादा चली हुई गाड़ी नहीं रखते हम। अच्छा। क्योंकि वही है कि कस्टमर को बाद में फिर उनको ये होता है कि हाँ कि ज़्यादा चल गई ये वो, तो हम कोशिश करते हैं कम से कम चली हुई गाड़ी मिले और अच्छी से अच्छी मिल पाए, और प्लस अब कोई कार वाले भी थोड़ा सा वो होगा किसी चीज़ में इंस्पेक्शन में कमी हो जाएगी तो वो ट्रस्ट एक बिल्डअप नहीं होता ना, ज्यादा चली होगी दैट मीन्स कुछ इंजन में प्रॉब्लम है, ये वो आई जाती है, कस्टमर शक करते हैं कि इंजन खुला हुआ ना हो, कुछ ऐसा ना हो, तो ये वो पैरामीटर भी तो पास होना चाहिए। जी जी क्या डिमांड है इसकी लगभग? इसकी डिमांड आएगी आपकी 1075 की। अच्छा 1075 की है XUV 500। जी ठीक है, अब नेक्स्ट गाड़ी आ जाती है क्रेटा, हुंडई की क्रेटा, हुंडई की एक क्रेटा है, UP16 यानी सबसे ज्यादा डिमांडिंग गाड़ी है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग मार्केट में, मार्केट में UP16 रजिस्ट्रेशन है, नोएडा
और सिल्वर कलर मिलेगा गाड़ी, ये भी पूरी स्क्रैचलेस मिलेगी आपको, स्क्रैचलेस मिलेगी। 18 मॉडल है, और 18 मॉडल है ये, डीजल जी, डीजल। अच्छा डीजल है ये, आप देख सकते हो अच्छी क्वालिटी में है क्रेटा। अभी मतलब ये 5-6 सालों में अगर देखा जाए तो क्या 10 सालों की, ये पूरे दशक में देखा जाए जी, तो सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रेटा गाड़ी रही है। पहले चला करता था एक टाइम पे मारुति ने छाया हुआ था, फिर महिंद्रा आया, उसके बाद हुंडई, जैसे ही क्रेटा हुंडई ने उतारा छा गया एकदम से। कितनी चली है ये लगभग? ये आपके 40 के अंडर चली है। अच्छा अच्छा 40 के आसपास चली हुई है। कितना डिमांड है लगभग इसका? इसकी डिमांड कर रहे हैं 8.5 लाख। अच्छा 8.5 लाख रुपए में ये क्रेटा छोड़ देंगे, और कोई ऐसा वो फिक्स नहीं है, आप आओगे बैठोगे थोड़ा बहुत नेगोशिएबल नहीं है बिल्कुल। अगर आपके डिमांड, आपके व्यवहार के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा क्यूरियस हो इस चीज को लेने के लिए अगर आए हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस बिल्कुल निराश करके नहीं भेजेंगे, गाड़ी देकर ही भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग के साथ। ये XL6 आ जाती है मारुति की, XL6 गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन कार है। गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन सर, XL6 UP14 नंबर 3246। ब्लू कलर, बिल्कुल डिफरेंट कलर है, कलर एकदम नेवी ब्लू कलर जी, नेवी ब्लू कलर। आप देख सकते हैं इंटीरियर भी इसका, मतलब इंटीरियर भी फुली लग्जूरियस इंटीरियर, लग्जूरियस गाड़ी है बहुत ही ज्यादा। XL6 ये 7 सीटर है, 8 सीटर, ये 7 सीटर, 7 सीटर है, 8 भी एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ, एडजस्ट होने का 9 भी हो जाते हैं जी जी जी, नहीं 8 तो वैसे हो जाएंगे, 3-3, 6-2, 8 जी जी हो जाएंगे। अच्छा ये 7 सीटर है जी, अगर आप बड़ी फैमिली या कहीं टूर एंड ट्रेवल के लिए अपने फैमिली को ले जाना चाहते हैं तो अगर इसके करते हैं, इससे बेस्ट गाड़ी नहीं है फिर कोई, इससे सिर्फ 9.5 लाख में मिलती है आपको, 9.5 लाख रुपए में मिल जाएगी XL6। पीछे से भी देख रहे हैं तो काफी अच्छे कंडीशन में है, बहुत ही बेहतरीन कलर और डिजाइनिंग के हिसाब से मारुति सुजुकी ने XL6 को, नेक्सा का हाथ है सर, नेक्सा का पूरा का पूरा एकदम, जितनी डिजाइनिंग है ये जो कर्व देख रहे हैं ये डिजाइन वगैरह सब नेक्सा के डिजाइनिंग से ये लेस है, नेक्सा में फिर भी बहुत अच्छा डिजाइन उन्होंने दे रखा है। आप डिटेल देखें, कितनी चली लगभग ये बताइए आप इसे? ये लगभग आपकी चली है 35 कह रहा हूँ। अच्छा 35 के आस पास चली हुई है, 35,000 जी। और कितना, कौन से ईयर की थी ये? ये 2019। अच्छा 19 की, 19 की एक्सेल, बिल्कुल ऊंचा मॉडल है, कोई ज्यादा नीचा नहीं है, 19 मॉडल है, 19 है, मिड है एकदम, क्रेटा के बराबर में उससे ऊंचा ही है ये जी जी। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, और कितनी डिमांड लगभग रख रही है, डीजल पेट्रोल? ये आपकी पेट्रोल। अच्छा पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल गाड़ी है, प्योर पेट्रोल गाड़ी है, ना डीजल ना सीएनजी, प्योर पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है। डिमांड इसकी बताइए? डिमांड इसकी 10.5 लाख रुपए है। अच्छा 10.5 लाख रुपए है, बाकी आपके आ गए अगर हमारे यहाँ से थ्रू तो वो कुछ ना कुछ 19-20 जी जी बिल्कुल होता रहेगा, वो तो आते ही अगर कस्टमर ने बताया वहाँ से है तो बिल्कुल बिल्कुल। कार बाइक ट्रेंड का नाम लिया तो मतलब कुछ ना कुछ प्राइस में जरूर 19-20 हो जाएगा, बाकी आप क्वालिटी देख लो, पसंद कर लो जी जी, कहीं लेना है। नेक्स्ट गाड़ियों की तरफ हम बढ़ते हैं, स्कॉर्पियो खड़ी है हमारे पास। अच्छा स्कॉर्पियो है, UP37, हापुड़ रजिस्ट्रेशन जी, हापुड़ रजिस्ट्रेशन, ये गाड़ी आ जाती है आपकी। अच्छा, 18 मॉडल। अच्छा, S11 फैंसी नंबर के साथ, 1100 जी, 1100 फैंसी नंबर के साथ आ गई स्कॉर्पियो भाई आपके सामने, महिंद्रा की। ये भी गाड़ी बिल्कुल स्क्रैचलेस है, स्क्रैचलेस है, और इंटीरियर से भी बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छी, शिकायत नहीं है बिल्कुल कहीं भी गाड़ी में। अब देख रहे हैं स्कॉर्पियो बहुत अच्छे कंडीशन में है, S11 कितना चली है लगभग ये? ये 70। अच्छा अच्छा 70 उत्तर के आसपास चली हुई है जी जी, बाकी इन गाड़ियों का तो लाख लाख पे भी कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ हाँ कुछ नहीं होता, अरे एकदम बहुत ही बेहतरीन गाड़ियाँ, एकदम शौकीनी शौकत लोग रखते हैं इसको जी जी, और एकदम रोड पे निकल गए तो पूरा जलवाई जी जी, बाहुबली इंसान ज्यादा रखते हैं, बाहुबली इन द सेंस कोई बाहुबली। यूपी में इसका टोरा भी कुछ अलग ही है, मतलब स्कॉर्पियो का, इसलिए डिमांड भी है और रखनी भी पड़ती है, और रखनी भी पड़ती है जी जी। 4-6 लोग आराम से बैठो, चलो बिल्कुल निकल लो, रात तो रात निकल लो, कहीं भी निकल लो घूमने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना चला आपने ये बताया, ये 70,000 के आसपास चली, 70 के आसपास चली हुई है, 2018 का है ये जी, 18 का रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का, रजिस्ट्रेशन है गाड़ी पूरी स्क्रैचलेस। कितना डिमांड है लगभग इसकी? डिमांड कर रहे हैं हम आपकी 1275 की डिमांड है। अच्छा 1275 की डिमांड है, फैंसी नंबर के साथ स्कॉर्पियो ले जाइए एकदम। फिर मैं वही बात बोलूंगा, अगर आपके
थ्रू कोई बंदा आ गया वो तो एकदम यूनिवर्सल हो गया कि आप आओगे तो कुछ ना कुछ 19-20 जरूर आप बिल्कुल करोगे, कमी करोगे, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कस्टमर को। नेक्स्ट गाड़ी बढ़ते हैं हम महिंद्रा, नेक्स्ट गाड़ी आ जाती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। फिर से ये आपकी 19 मॉडल, 18 या 19? ये 19 मॉडल, अच्छा 19 मॉडल, वो 18 थी ये 19 है, वो S11 थी, ये है S9। लेकिन बंदे ने कन्वर्ट करा रखी है, अलॉय व्हील नहीं होते क्योंकि S9 में, तो उसने अलॉय व्हील कंपनी से ही करवा रखा है। अच्छा, कंपनी से करा रखा है, तो ये भी S11 ही मानो एक तरीके से। S11 हो गया जी, फील तो पूरी वही देगी क्योंकि ज्यादा कुछ पूरी मतलब मॉडिफाइड एक तरह से, तो फील पूरी है आप देख रहे हैं पूरी की पूरी गाड़ी। डिटेल कितनी चली है ये 19 मॉडल? ये 80 के अराउंड चली है सर। अच्छा, 80 के आसपास चली है ये। इसकी क्या आस्किंग है लगभग? इसकी आस्किंग कर रहे हैं हम 13.75 की। अच्छा अच्छा, 13.75 है जी जी। आगे आप आओगे तो वो बिल्कुल बिल्कुल वो तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहने की जरूरत नहीं है, आप एक बार आओ देखो। स्कॉर्पियो लवर हो, अगर आपके पास माइंड में है कि स्कॉर्पियो लेना है जी जी, तो एक बार आप लेके ही जाओगे बिल्कुल, एक बार मन बना के आओगे। गाड़ी ये भी पूरी स्क्रैचलेस है, फुल मतलब हमारी कोशिश ये रहती है। डीजल है, पेट्रोल है अभी? नहीं जी, ये डीजल ही आती है। डीजल ही आती है, ये स्कॉर्पियो जो आती है डीजल ही आती है। अच्छा, अब जो स्कॉर्पियो एन आई है वो आने लगी पेट्रोल में। अच्छा अच्छा, मतलब स्कॉर्पियो तो डीजल ही आती है। अच्छा, स्कॉर्पियो डीजल ही आती है। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर। ओ भाई, टोयोटा फॉर्च्यूनर 15 मॉडल, आपकी बहुत प्यारी कंडीशन में गाड़ी खड़ी है, 64-84 जी लगभग लगभग अंदाजा। बहुत अच्छी गाड़ी है और सारी रेंज है, कंप्लीट है, और यहाँ पे स्क्रैचलेस कंडीशन। 4x2 मैनुअल वेरिएंट है। अच्छा, 4x2 मैनुअल वेरिएंट है ये जी। क्या डिमांड है लगभग इसकी? इसकी डिमांड कर रहे हैं हम आपकी 1475 की। अच्छा, 1475 में भाई फॉर्च्यूनर ले जाओ। कितने, कौन सी ईयर की? 15 मॉडल, 15 मॉडल है। कितनी चली है ये? चली है आपकी 1.18। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड मिलेगा गाड़ी का सारा। अच्छा, भी सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मिलेगा कार वाले के साथ, ट्रस्ट के साथ पूरा एकदम कंप्लीट। और ये कितना, 14 कितना डिमांड होता है इसकी? 1475 में 2015 मॉडल जी। इसको आप फॉर्च्यूनर ले जाओ, एकदम ले जाओ, खुले में ले जाओ एकदम सब कुछ। और एक बार आओगे नाम लोगे। अब आते हैं मेन गाड़ी की तरफ, जहाँ पे कुछ गाड़ियों का खुलने वाला है, थोड़ा और भी सस्पेंस खुलने वाला है भाई। एक बार नजर दिखाओ, मेरी तो नजर ही नहीं रुक रही है भाई। आ गई भाई थार, थार आ गई, थारिस आ गई जी, एक इंसान की पसंद थार। थार पे तो इंसान की नजर ही नहीं हटती है, टिकती रहती है बस। और एकदम थार की एक एक क्वालिटी, पहले थार की ये ब्रांडिंग दिखाओ, क्या करो थार महिंद्रा का। थार ये आई हुई है और UP14, वो भी गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ थार आई। देख रहे हैं टायर लेके एकदम हिल क्लाइंबिंग क्वालिटी वाले, फुल एकदम टायर है, एकदम प्यारी लुक के साथ, प्यारे लुक के साथ। 4x4 है और सबसे बड़ी बात, 4x4 है, थार है, ब्लैक कलर है, प्रीमियम क्वालिटी के साथ एकदम से। देख रहे हैं टायर वगैरह की कंडीशन 4x4 की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप हिल लवर हैं, माउंटेन पे जाना चाहते हैं, शिमला मनाली कश्मीर तक कहीं से भी अगर आपको ये दिखता है, तो ये देखें पीछे से एक बार क्वालिटी दिखाओ, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले मैं तो देख लूँ अच्छे से। बिल्कुल अनटच गाड़ी है, अनटच गाड़ी है थार, और ये अगर टच भी हो जाएगी तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल इसका ये है, वो ये है, इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, सामने वाले का सब बिगड़ेगा, बस उसका कुछ बचेगा भाई थार। क्या इसकी डिटेल थोड़ी बताइए? ये 22 मॉडल है सर, डीजल वेरियंट। अच्छा जी, 2022 का थार है ये जी। वाह भाई वाह, साल भर भी नहीं हुआ इसे, थार है साल भर भी नहीं हुआ है। अच्छा, साल भर भी नहीं हुआ है इस थार को? नहीं। और अंदर का पूरा डिटेल देख सकते हैं, ये डबल डोर वाली, और एक पीछे ये लोग कहते हैं थार में जगह नहीं है, अरे फुल जगह है यार, कौन कहता है जगह नहीं है, बहुत जगह है भाई यहाँ पे। और कितनी किलोमीटर चली है अगर एक साल की नहीं हुई है तो? ये अभी देखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये अभी पूरी डिटेल नहीं है, आज ही आई है ये गाड़ी बता रहे भैया? बिल्कुल अभी आई है गाड़ी। अच्छा, कुछ देर पहले बता रहे थे, कुछ ही देर पहले आए थे पूरा इंस्पेक्शन के साथ। ओके, महिंद्रा की ब्रांडिंग साथ, और थार के लिए कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, बंदा देखते समझ जाता है, समझ जाता है भाई थार है, थार आ गई जी जी। और इसकी स्पेसिंग की अगर बात करते हैं, कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि स्पेस नहीं होता है, आपने देख लिया वो उधर हो गया, और एक पीछे की अगर रोज से बात करें अगर, तो ये देखो स्पेस होता है यहाँ पे, अपना पूरा सूट के सामान आ सकता है, छोटा मोटा बैग कोई दिक्कत नहीं आ सकता है। बाकी जैसे कि टू डोर गाड़ी है उस हिसाब से बहुत ज्यादा स्पेस है, टू डोर के हिसाब से बहुत ज्यादा बहुत स्पेस है, और हल्का फुल्का ये आगे गाड़ी ये थोड़ी शिफ्ट भी हो जाती है। अगर आपका छोटा मोटा सूटकेस वगैरह है, बैग वगैरह है, तो आ जाएगी
लोग सोचते हैं सिर्फ सीट ही सीट है ही नहीं स्पेस, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है उतना। आप छोटी मोटी चीजें आप नॉर्मल जो यूजफुल होती हैं, और बाकी थार लवर होगा ना सर, तो वो छोटी मोटी चीजें इग्नोर कर देगा, इग्नोर कर देगा, बाकी दुनिया ले ही रही है, दुनिया ले रही है, दुनिया ले रही है। तो अगर इतना ही हो और आगे बहुत अच्छा वो रहा रिव्यू वगैरह, तो कुछ ना कुछ इसमें आगे मॉडिफिकेशन, लेकिन ये अभी तक की ये 2022 है, अब इसकी थोड़ी डिटेल बताइए आप। ये 2022 मॉडल है, 4x4 वेरिएंट है, डीजल, और डीजल जी ये आपको मिलती है 15.5 लाख रुपए। अच्छा 15.5 लाख रुपए में थार ले जाओ भाई जी, एक साल भी नहीं चली और फिक्स रेट नहीं है। आप आओगे तो थोड़ा बहुत ऑन टेबल नेगोशिएट होगा, बिल्कुल होगा। 15.5 लाख बोला गया है, उसमें 19 ही होगा, 20 की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आओ, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई कस्टमर आता है तो हम ये कहते हैं नहीं जी हमने इतना रेट नहीं बताया, भैया खुला बताते हैं इतना रेट है, उससे कम ही में ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं मिलेगी। और यहाँ पे और एक थार में और क्या ही चेंज करवाओगे आप जी, बिल्कुल हर तरह का टायर वगैरह, कंपनी इतनी बहुत कुछ चीजें बढ़िया दे रही है, चीजें दे रखी है हर जगह से, और कोई भी इसमें कोई अल्टरेशन नहीं है, नहीं नहीं कंपनी की एकदम सब कुछ वो है। एक साल भी नहीं चली हुई, ऐसा भी नहीं है चलो 2-4 साल यार इसमें कुछ ना कुछ बहुत चलाए होंगे, वो इतने उतने कुछ नहीं, साल भर में कुछ नहीं चलती है। और गाड़ी बहुत प्यारी है, मतलब की लेके इसे देखेंगे, मठ में घुस जाओ, पहाड़ों पे चलाओ, कहीं भी मतलब निराश नहीं करेगी, कहीं भी पावर खूब है गाड़ी में, पावर खूब है जी जी। अब एक और स्कॉर्पियो आ जाती है, एक और स्कॉर्पियो आ जाती है, ये S4 वेरिएंट है, बेस मॉडल है ये। अच्छा S4 वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है ये जी। और स्कॉर्पियो ये कौन सा ईयर का है ये? ये 17 मॉडल है सर। अच्छा 17 है, 2017 मॉडल है ये जी, 2017 का रजिस्ट्रेशन है ये, है यूपी, यूपी 14 का, ये भी गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन जी जी। कितनी चली है ये चली है आपकी 46-47 के आसपास। अच्छा 46, आप देख सकते हैं अंदर से गाड़ी चली हुई है, देख रहे हो आप, मैनुअल है, डीजल, अब भैया ने बता ही दिया है कि स्कॉर्पियो डीजल में ही आती है जी, और बहुत अच्छे कंडीशन में है। कितनी डिमांड है लगभग इसकी? इसकी 9.25 डिमांड कर रहे हैं। अच्छा बाकी जितने में जी, बाकी आप आओगे जी तो वो जरूर कुछ न कुछ कम हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर स्कॉर्पियो, मतलब स्कॉर्पियो 3-2 हो गई, एक फॉर्च्यूनर हो गई, थार का अपना कोई जी जी वही नहीं है, उसका तो कंपटीशन ही नहीं है, और बाकी छोटी गाड़ियाँ हैं, मतलब अगर आप पूरा स्टॉक अगर आप देखें तो एक से एक छोटी से लेकर बड़ी तक और भी ढेर सारी। अगर कोई बोलता है कि वैगनार भी दिखा दिया, और वैगनार है, थारा मॉडल वैगनार है, कितनी गाड़ियां तो हम दिखा नहीं पाएंगे, ऐसे एकदम एक लाइन से खड़ी हुई है, बहुत अभी तक का बहुत स्टॉक है, पुराना भी पिछले बार भी हमने बनाया था, बहुत बहुत अच्छा, उससे विश्वास मिला, प्यार मिला हम सबका। ये तो ऑफिस का प्लॉट है, और गोडाउन में भी काफी गाड़ियां हैं, गोडाउन में भी और गाड़ियां हैं, तो एक बार पूरा दिखा दीजिए। हर गाड़ी को हम कवर नहीं कर सकते, ये स्विफ्ट है, ये स्विफ्ट है, 9 मॉडल स्विफ्ट है। अच्छा जिसको सीखने के पर्पस से चाहिए वो ले सकता है, सीखने के लिए साल साल डेढ़ साल चलेंगे फिर। अच्छा, मतलब ये है कि यूज कर लेगा। ये 2009 की कितने की पड़ जाएगी? ये 180 इसकी डिमांड कर रहे हैं, बाकी वही 150 डेढ़ लाख रुपए में स्विफ्ट ले जाओ भाई, और क्या चाहिए अब, क्या एक साल डेढ़ साल नई गाड़ी ठोकने से अच्छा है पुरानी ले जाओ, ऑलरेडी इतने साल चली हुई है उसके अलावा और क्या ही ठोकोगे उसको, तो इसको चलाओ। ऐसा नहीं है, सब कुछ एकदम ओके कर कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि उसको डेढ़ साल बचा हुआ है तो वो भंगार के में से जाएगी, आई अच्छे कंडीशन में ले जाओ लोग ले जाने के। और ऐसा नहीं है कि गांव में लोग जाके इसकी फिटनेस करा के उसको बढ़वा भी लेते हैं, कई जगह होते हैं टाइम बढ़ भी जाता है, 5 साल चलाते हैं जी जी। बाकी ये डिजायर है, हैरियर है, डैटसन गो प्लस है, और आइटन मिल जाएगी सीएनजी 513 मॉडल, ढेर सारा का पूरा स्टॉक है, एक बार देखें कोई वरना है। ये क्रेटा मिल जाएगी आपको, 16 मॉडल क्रेटा मिल जाएगी, ढेर सारी यहाँ पे है, बलिनो है, वैगनार है, डस्टर है, ये एम्बेसडर बट बिकने में नहीं है। हाँ, ये हमने रखी हुई है तो जी, चलो रखा हुआ है वैसे ही है, तो एक तरह कीपिंग यूनिट हो गया स्टॉक वगैरह। तो ये रहा ये पूरा का पूरा डिटेल रहा भैया का, ढेर सारा विश्वास और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आए यहाँ पे फिर से, पूरा स्टॉक हो गया है। कोई गाड़ी आपको पसंद है और यहाँ पे नहीं है, एक दो दिन चार दिन भैया देंगे आप बिल्कुल, बिल्कुल। उनको तो जरूर हो सकता है डायरेक्ट ही मिल जाए, डायरेक्ट मिल जाए, क्योंकि और भी गाड़ियां होती हैं, और भी होती हैं स्टॉक में और दूसरे जगह वो आ जाएंगी। हर एक चीज को कवर करना होता है, मेन होता है भरोसा कार वाले फ्रेंचाइजी के साथ, इतने पैरामीटर पास होने के बाद लोकल डीलर तो बहुत है भैया, लोकल बहुत है, वो वाला काम नहीं है, बट हमारा बंदा अगर कोई चीज ले रहा है लाखों की चीज ले रहा है, लाखों की चीज ले रहा, कोई माचिस की डिब्बी तो नहीं ले रहा है, वही ना थार बंदा बेच रहा है, फॉर्च्यूनर गाड़ी की पूरी गारंटी रहेगी, एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं मिलेगी। एक्सीडेंटल गाड़ी होगी तो आप कहीं से भी अपना कोई जानकार हो जो चेक कर सके गाड़ी, वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप ला सकते हैं, गाड़ी चेक कर सकते हैं पूरी, जब आपको संतुष्टि हो गाड़ी आप जब ही लें, जब भी टोकन करें
भाई, गाड़ी पूरी टेस्ट ड्राइव देंगे हम, आप आओगे तो अगर गाड़ी पसंद आती है तभी टोकन मनी के लिए हम आस्किंग करते हैं, मतलब कि हाँ कर सकते हैं, और गाड़ी जब पसंद आएगी बंदा खुद ही खुश हो गया, खुश हो गया भाई, अब सब कुछ मैं हमसे। बाकी लोन वगैरह की पूरी सुविधा, 100% लोन की सुविधा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं आती है, कुछ दिनों का काम रहता है बस। सबसे हम नाम ही स्पीड मोटर्स है, कार वाले की फ्रेंचाइज ले रखे तो स्पीड से ही होता है काम, कुछ होता है जी, कोई नाम के साथ काम जी जी ये होगा। तो ऐसे ही बाकी आप पूरा स्टॉक देखें और नंबर सब कुछ दिया हुआ है, एक बार अपना नंबर बता दीजिए और यहाँ नीचे हम बार पे चला भी देंगे, आप एक बार बता दीजिए जी, कोई और भी ढेर सारी डिटेल, कार्ड की हम डिटेल दे देंगे वैसे, आप वहाँ से कर लेना। ये एक बार एड्रेस बता दीजिए फिर से, G6 पटेल नगर 3rd महिंद्रा शोरूम के जस्ट सामने हमारा ऑफिस है, आप कभी भी इधर की तरफ विजिट करें तो आ सकते हैं हमारे पास जी, बिल्कुल लुक जरूर देखें सारी गाड़ियों, बिल्कुल आए, गाड़ी भी नहीं लेनी हमारे पास, आए कॉफी पिए आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है एसी में बैठ के, गर्मी बहुत हो रही है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले, चिकन जी पिए, बिल्कुल जी ठीक है। तो यही पे हम इस सिलसिले को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ और नए स्टॉक के साथ जो एकदम खचाखच ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।